अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में एनटीएस के थ्रू वैक्सीनेटर का पेपर जो 18 जून 2023 को हुआ है, इसके सेकंड बैच के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, यानी कि सेकंड शिफ्ट के। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक क्लास में देखिएगा। ये पेपर सिंध में हुआ था और इसके मोस्टली क्वेश्चन testpoint.pk के वेबसाइट से आए हैं। बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विजिट करते रहा करें, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चंस इसी वेबसाइट से आ रहे हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो लेट बिलोंग टू विच पॉलिटिकल पार्टी। सो इसका करेक्ट आंसर PPP है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, इन्हें जो है ये PPP यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलोंग करते थे और इन्होंने 30 नवंबर 1967 को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी थी। सो ये इसके फाउंडर थे। सो PPP इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, द श्राइन ऑफ बाबा बुल्ले शाह इज़ लोकेटेड इन विच सिटी। सो यहाँ कसूर करेक्ट आंसर है। हज़रत बाबा बुल्ले शाह का जो मज़ार मुबारक है, ये कसूर पंजाब में लोकेटेड है। सो कसूर इसका करेक्ट आंसर है। द एंटोनियम ऑफ फ्री इज़ फ्री का जो एंटोनियम है वो स्लेव है। फ्री का मतलब होता है आज़ाद और स्लेव का मतलब होता है जो स्लेव हो, गुलाम हो, उसे स्लेव कहते हैं। सो स्लेव इसका करेक्ट आंसर है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस हम डेली बेसिस पर बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योर रिपोर्ट इज़ नॉट रेलिवेंट डैश द टॉपिक। सो यहाँ प्रेपोजिशन टू का यूज़ किया जाएगा, योर रिपोर्ट इज़ नॉट रेलिवेंट टू द टॉपिक, यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू सीन देम। सो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। सीन जो है ये थर्ड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म इसका सी है, सेकंड फॉर्म इसका सा है और थर्ड फॉर्म जो है सीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आई वॉन्ट टू गो डैश इंग्लैंड नेक्स्ट ईयर। सो यहाँ प्रेपोजिशन टू का यूज़ किया जाएगा, आई वॉन्ट टू गो टू इंग्लैंड नेक्स्ट ईयर, मैं अगले साल जो है इंग्लैंड जाना चाहता हूँ, यही इसका करेक्ट आंसर है। अली इज़ डैश गुड बॉय, अली इज़ आ गुड बॉय। सो यहाँ हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे और आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे, अली इज़ आ गुड बॉय। सेकंड हाईएस्ट माउंटेन, दुनिया का सबसे बड़ा जो माउंटेन पीक है, माउंटेन जो है वो माउंट एवरेस्ट है जो कि नेपाल में है। सेकेंड जो है वो K2 है, और K2 में जो के है इसका मतलब कराकरम होता है, क्योंकि ये कराकरम पहाड़ी सिलसिले में लोकेटेड है पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर के करीब। सो यही इसका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट नंबर पर माउंट एवरेस्ट है। इस्लामिक कैलेंडर इज़ रिलेटेड विद, सो इस्लामिक कैलेंडर को जो जिसने आगाज़ किया था वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। हज़रत उमर जो कि सेकंड कैलिफ थे इस्लाम के, इन्होंने मुतारिफ़ कराया था इस्लामिक कैलेंडर, और इस्लामिक कैलेंडर को जो है वो लूनर कैलेंडर भी कहा जाता है, हिजरी कैलेंडर भी कहा जाता है, और इसको मुतारिफ़ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूएसए के जो कैपिटल है वो वाशिंगटन है, यूएसए का सबसे बड़ा जो सिटी है वो न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन इसका कैपिटल है। जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका का पहला सदर हुआ करता था, उसके नाम से ये वाशिंगटन रखा गया है, वाशिंगटन DC इसे कहते हैं। DC का यहाँ मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलम्बिया, क्योंकि ये कोलम्बिया डिस्ट्रिक्ट में है, सो इसीलिए इसे कहते हैं। अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए की जो करेंसी है वो US डॉलर है, और इसके साथ साथ नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड ये इंपॉर्टेंट कंट्री है, जो बाइडेन इसके करंट प्रेसिडेंट हैं। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। हु वाज़ द थर्ड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के तीसरे गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद थे, पाकिस्तान के फर्स्ट गवर्नर जनरल कायद आज़म थे, सेकेंड पे ख्वाजा नाजमुद्दीन, थर्ड गुलाम मोहम्मद, और चौथे और आखिरी जो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल रहे हैं वो सिकंदर मिर्ज़ा थे। Which day is observed as Black Day in Kashmir? कश्मीर में 27 अक्टूबर को योम स्याह मनाया जाता है, इसे एक्सेशन डे भी कहते हैं। सो 27 अक्टूबर इसका करेक्ट आंसर है। सियाचन ग्लेशियर इज सिचुएटेड इन विच माउंटेन रेंज? सियाचन ग्लेशियर जो है ये कराकरम माउंटेन रेंज में है, कराकरम, और K2 भी कराकरम माउंटेन रेंज में है। अगर हम बात करें सियाचन की तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, और आपसे ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ सियाचन ग्लेशियर, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।
OIC stands for what? OIC का जो फुल फॉर्म है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इसके 57 मेंबर कंट्रीज हैं। पाकिस्तान इसका फाउंडिंग मेंबर है। इसका जो फर्स्ट समिट हुआ था वो रबात में हुआ था, और इसके साथ साथ इसको 25 सितंबर 1969 को इस्टेब्लिश किया गया था। इसका जो करंटली हेडक्वार्टर जो है वो जद्दा सऊदी अरब में है। इन पाकिस्तान द चिलगुज़ा फॉरेस्ट आर फाउंड इन ज़ियारत। चिलगुज़ा के जो जंगलात हैं वो ज़ियारत में पाए जाते हैं। इसके साथ ये भी याद रखें कि ज़ियारत में पाकिस्तान के सबसे कदीमी जो जंगलात हैं, ओल्डेस्ट जो फॉरेस्ट हैं, वो भी ज़ियारत में हैं। इसके अलावा सबसे जो टॉलेस्ट हैं यानी कि लंबी कद वाले बड़ी कद वाले जो दरख्त हैं पाकिस्तान में, वो भी आपको ज़ियारत में मिलेंगे, क्योंकि यहाँ कदीमी जंगलात बहुत ज़्यादा हैं और चिलगुज़ा के जो फॉरेस्ट हैं वो भी यहाँ हैं। ज़ियारत में कैद अज़म की रेजिडेंसी भी है। कैद अज़म ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी अयाम ज़ियारत यानी कि बलूचिस्तान में स्टे किया था। विच कॉन्टीनेंट हैज़ नो डेजर्ट। कौन सा बर अज़म है जिसमें कोई सहरा नहीं है? सो ये जो है यूरोप में कोई सहरा नहीं है। अगर प्रोविंस पूछें तो पाकिस्तान के केपीके में कोई भी डेजर्ट नहीं है। यूरोप की अगर हम बात करें तो ये जुराल माउंटेन से जो है ये डिवाइड होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा कंटिनेंट है जिसमें कंट्री नहीं है कोई भी, सो अंटार्कटिका हैज़ नो कंट्री एंड यूरोप हैज़ नो डेजर्ट। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। द माइक्रोस्कोप इज़ यूज्ड टू स्टडी सिमाल एंड नियर ऑब्जेक्ट्स। सिमाल एंड नियर ऑब्जेक्ट्स इसका करेक्ट आंसर है। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैस्मीन इज़ पॉपुलरली नोन एज। जैस्मीन का जो दूसरा नाम है वो चंबेली है, इसको चंबेली कहा जाता है। 1961 में इसको चूज़ किया गया था एज नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। अब जो है ये पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर है चंबेली, या फिर जिसे हम जैस्मीन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज लॉजिक डैश एवरी वन इंक्लूडिंग द एक्सपर्ट्स। तो यहाँ सरप्राइज आएगा, हिज लॉजिक सरप्राइज्ड एवरी वन इंक्लूडिंग द एक्सपर्ट्स। सरप्राइज का मतलब होता है हैरान कर देना। एंटोनियम ऑफ ग्रेस्प इज, एंटोनियम ऑफ ग्रेस्प इज रिलीज, और ग्रेस्प का मतलब होता है किसी चीज़ को पकड़ना, और रिलीज का मतलब होता है किसी चीज़ को रिहा कर देना, छोड़ देना। सो रिलीज इसका करेक्ट आंसर है। डस्ट और चाक, सो ये जो है एनालॉजी का क्वेश्चन है, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो स्पॉन्ज वाटर। चाक का क्या मतलब है? लिखाई के लिए जो इस्तेमाल होने वाला जो चूना है उसे चाक कहते हैं, और डस्टर जो लिखाई को साफ़ करने के लिए जो कपड़ा होता है साफ़ करने के लिए उसे डस्टर कहते हैं। स्पॉन्ज का मतलब होता है जज़ब करना, वाटर का मतलब होता है पानी। सो स्पॉन्ज वाटर इसका करेक्ट आंसर है। द एंटोनियम ऑफ डेंजर इज़ सेफ्टी। सेफ्टी जो है इसका करेक्ट आंसर है। डेंजर का मतलब होता है ख़तरा, और सेफ्टी का मतलब होता है हिफाजत। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। डिसऑनेस्टी डिसट्रस्ट, सो यहाँ जो करेक्ट एनालॉजी है वो है केयरलेसनेस एक्सीडेंट। डिसऑनेस्टी का मतलब होता है बेईमानी, डिस्ट्रस्ट का मतलब होता है अदम एतमाद, और इसके साथ साथ केयरलेसनेस का मतलब होता है लापरवाही, एक्सीडेंट का मतलब होता है हादसा। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। चूज़ द वर्ड मोस्ट फेमिलियर वर्ड ऑफ स्टबन। स्टबन का जो सिमिलर वर्ड है वो इनफ्लेक्सिबल है। स्टबन का मतलब होता है जो ऐसा शख्स जो ज़िद्दी टाइप हो उसे स्टबन कहा जाता है, और इनफ्लेक्सिबल भी ज़िद्दी टाइप बंदा ही होता है जो अटल होता है, जो बदल ना सके, जो अपनी बात पर कायम रहे, किसी और की बात ना सुने, सो उसे कहते हैं इनफ्लेक्सिबल। द सिनोनियम ऑफ रिव्यू इज़, रिव्यू का जो सिनोनियम है वो कंसीडर है। रिव्यू का मतलब होता है गौर करना, कंसीडर का भी मतलब होता है गौर करना। द सिनोनियम ऑफ डेप्लीट इज़, डेप्लीट का जो सिनोनियम है वो रिड्यूस है। डेप्लीट का मतलब होता है ख़त्म करना या घटा देना। रिड्यूस का भी मतलब होता है कम करना, ख़त्म करना या फिर घटा देना। द सिनोनियम ऑफ टर्मिनेट इज़, टर्मिनेट का जो सिनोनियम है वो है एंड, क्योंकि टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म करना, एंड का भी मतलब होता है ख़त्म करना। डियर व्यूवर्स, वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, तो NTS टेस्ट मास्टर का जो ये NTS वैक्सीनेटर का जो पेपर ये हुआ है 18 जून 2023 को, सेकंड शिफ्ट के जो क्वेश्चन हैं वो आप यहाँ testpoint.pe की वेबसाइट पर देख सकते हैं। यहाँ इस तरह आपको MCQs के फॉर्मेट में क्वेश्चन मिलेंगे। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, मोस्टली क्वेश्चन इसी वेबसाइट से आते हैं, तो यहाँ आप देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। यहाँ आप अपना टेस्ट भी यहाँ ले सकते हैं, PDF वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये पास्ट पेपर्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स के लिए बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, इसे ज़रूर विजिट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।